और फाइनली अब हम लोग महाबलेश्वर के लिए निकल रहे हैं। कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए, फ्रेश हो गए और निकल रहे हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के लिए निकलते हैं। यहाँ से कितना टाइम पड़ेगा महाबलेश्वर? 40 मिनट यहाँ से डिस्टेंस है, तो चलते हैं। गाइस काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सैटरडे है तो काफ़ी लोग घूमने आए हैं, अभी दिवाली का वेकेशन भी चल रहा है, इसीलिए काफ़ी भीड़ चल रहा है। तो फाइनली हम लोग को ट्रैफिक से छुटकारा मिला इतने देर बाद, खाली रोड। फाइनली हम लोग महाबलेश्वर में पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं यहाँ का व्यूज कैसे कैसे रहता है। क्या भाई? हाँ भाई, चलो देखते हैं क्या क्या मिलता है। 12 पॉइंट बताए तो है कि 12 पॉइंट है यहाँ पे, देखते हैं कैसा कैसा पॉइंट है। अभी हम लोग ये 4th पॉइंट में हैं, देखते हैं किस कैसा कैसा सीन है यहाँ पे। पीछे का व्यूज़ देखो यार, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। सामने से देखोगे ना आप लोग, व्यूज़ बहुत ज़्यादा ही खतरनाक यार। 12 पॉइंट है यहाँ का, तो अभी हम लोग 4th पॉइंट में हैं, तो आगे देखते हैं। सब पॉइंट ही है इधर पीछे जितना भी दिख रहा है। पॉइंट में घूम चुके हैं और नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सावित्री पॉइंट घूम चुके हैं, गाइस इतने देर बाद हम लोगों को पार्किंग करने को मिला। काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, पार्किंग हो ही नहीं पा रहा है यहाँ। तो फाइनली हम लोग लास्ट पॉइंट में आए हैं, काफ़ी क्राउड है, बारिश का मौसम भी है, तो लास्ट पॉइंट है यहाँ का, पहाड़ी का लास्ट पॉइंट है ना भाई। चलते हैं, देखते हैं व्यू यहाँ का, व्यू कैसा है। काफी नीचे पॉइंट है गाइस, तो चलते हैं नीचे। इतना नीचे आने के बाद एक पॉइंट मिला, इको पॉइंट, व्यूज दिखा दो आप लोगों। कौन सा पॉइंट मिलता है, चलते जा रहे। बारिश था बट बारिश अभी थोड़ा खत्म हो गया, तो अभी जस्ट हम लोग मेलकॉम पॉइंट में और देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट मिलता है। तो देखते हैं पॉइंट कौन सा मिलता है आगे।
टाइगर स्प्रिंग, देख सकते हो पीछे का व्यूज।